अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो जुम्मे की जो मार्केट थी वो 80 पॉइंट के साथ तकरीबन नेगेटिव बंद रही। केसी 100 इंडेक्स 47671 के साथ करीब बंद रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 91 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, या किसी और शेयर के अंदर 192 मिलियन का काम हुआ जिसकी वैल्यू 6.5 बिलियन बन गया है। तो अगर बात कर लेते हैं मार्केट के मूवमेंट के हवाले से, तो अगर आप हमारी जो आज जो हमने कॉल दी थी फ्राइडे की, जो थर्सडे के दिन दी थी वीडियो में, और अगर आप इसको मार्केट के साथ रिलेट करते हैं तो आपको देखेगा कि कितनी सिमिलैरिटी थी हमारी कॉल के अंदर। हमने आपको क्या बताया था वीडियो में कि मार्केट जो है वो 100 पॉइंट तक भी प्लस जा सकती है। आप देखें कि जो जुम्मे के दिन थी वो मार्केट 102 पॉइंट तक प्लस गई। लेकिन आपको एक और बात ये बताई गई कि जो 100 पॉइंट या 200 पॉइंट प्लस जाना है ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। मेरे नज़दीक मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है और मार्केट के अंदर हम गिरावट देख सकेंगे। और वही हुआ, मार्केट ने गिरावट भी की और वे हमारे गिवन सपोर्ट लेवल जो 47,600 का था उसे 15 मिनट में भी एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग लेवल दिया। मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो हमारे लेवल्स थे, जो हमारा अंदाज़ा था, जो हमारा तज़िया था, अल्लाह का शुक्र है वो मार्केट के अंदर बिल्कुल ठीक बैठा। बावजूद इसके कि जो इससे पहला वाला सेशन था वो एक ज़बरदस्त तेज़ी का था, लेकिन हम मंदी में थे। वजह क्या थी कि चार्ट्स जो हमें बोल रहे थे वही मैंने आपको बताया, और अल्लाह का शुक्र है वही मार्केट के अंदर हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ देखने को मिला। तो बहरहाल ये मार्केट के अंदर आपको हम कई टाइम से बता रहे हैं कि इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, काम करना है तो सिर्फ इंट्राडे में करें। बहरहाल वो आपको जो स्ट्रेटजी है वो तो हम आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। बहरहाल अगर मैं बात कर लेता हूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो टॉप कंट्रीब्यूटर HMB ज़बरदस्त डिविडेंड दिया, एंग्रो कॉर्पोरेशन से मीज़ान बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो जाता है, FFC, UBL, IVFL, कोहार्ट सीमेंट, चनार सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट हो जाता है। फिर आप आगे देख सकते हैं जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे OGDC, TRG, PPL, बैंक अल हबीब, BOP, ATRL, PSEL, पैकेजेस, IFP, DGKC, PSO, और ये आगे आप चल स्क्रिप्ट देख सकते हैं। जहाँ अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बात की जाए तो WTL वर्ल्ड कॉल 1 पैसे पॉजिटिव बन रहा, 18 मिलियन के करीब का काम हुआ। जहाँ JS बैंक के अंदर एक ज़बरदस्त इजाफा रहा, बैंक इस्लामी 57 पैसे नेगेटिव, जहाँ बैंक ऑफ पंजाब 21 पैसे नेगेटिव, यूनिटी 6 पैसे नेगेटिव, OGDC 1.5 रुपये माइनस, जहाँ KLX 5 पैसे नीचे आया, नेशनल बैंक 21 पैसे नीचे, अल शरीफ कॉर्पोरेशन 26 पैसे नीचे और सिनर्जी 5 पैसे नीचे आया। तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स में जो 10 स्क्रिप्ट हैं उनमें से 2 स्क्रिप्ट ही से पॉजिटिव है, 8 स्क्रिप्ट इस वक्त नेगेटिव थे। जब अगर मैं टॉप एडवांसर्स की बात करूँ तो इधर मोस्टली इनलिक्विड स्टॉक है सिवाय कुछ के, जैसे एक आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो जाता है, फिर एक्साइड बैटरी जो मुसलसल एक आउट परफॉर्म करी है, एक्साइड और एटलस बैटरी दोनों का आज कैप लगा, फिर HMB हो जाता है अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक, ज़बरदस्त डिविडेंड दिया, और फिर मसूद टेक्सटाइल हो जाता है। या टॉप डिक्लाइन साइड पर कुछ लिक्विड स्टॉक देखने को मिलेंगे जैसे PMI हो जाता है, फिर कोहिनूर मिल्स, ICIBL हो जाता है स्पेशली, फिर AGIL हो जाता है। तो बहरहाल ये चंद स्क्रिप्ट हो जाते हैं। जहाँ अगर बात करते हैं न्यूज़ के हवाले से, तो देखें कुछ न्यूज़ है जिसके फ्राइडे के दिन सबसे पहले SBI के नंबर्स आए, 0.06% गालिबन आए वीक ऑन वीक बेसिस पे, और ईयरली ये 25% बन जाता है, ठीक है, तो 25% का इजाफा हुआ है एक साल में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। जहाँ दूसरी कि हम देख रहे हैं जैसे आज भी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है ये अनस्टेबिलिटी की ही निशानी है, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी निशानी नहीं है। जहाँ डॉलर की बात करें तो डॉलर की इंटरबैंक में क्लोजिंग 301 रुपये के भी ऊपर आ गई, मतलब डॉलर तो आप समझ लीजिए बिल्कुल भी रुक ही नहीं रहा है, सारी चीज़ों को इग्नोर करते से ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, कोई लेवल का लिहाज नहीं कर रहा। तो जहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कमोडिटीज़ के हवाले से, तो आज तो डेफिनेटली बंद है क्योंकि आज मैं सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन क्रूड ऑयल को देखते हैं तो क्रूड ऑयल की जो वीकली क्लोजिंग है वो $80.05 के पास आया, $1 प्लस, या गोल्ड $3.80 जो है वो आपका नेगेटिव बन रहा। वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंज को देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 365 पॉइंट नेगेटिव बन रही, जहाँ पे जो कल अमेरिका की मार्केट थी वो 1% के करीब के साथ गेन के साथ बन रही, जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी हम इस वक्त थोड़ी मिक्स एक्टिविटीज़ ही देख रहे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मिक्स एक्टिविटीज़ ही देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है आज की मार्केट के हवाले से, बेसिकली जुम्मे की मार्केट के हवाले से, और ये मैंने कुछ अपना रिव्यू भी दे दिया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे,
और सबसे पहले अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो ये एक रेड कैंडल बनती है। गैप अप का आगाज हुआ, गैप अप के आगाज के बाद मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई, तो ये एक प्रेशर की भी निशानी है, प्रॉफिट टेकिंग की भी निशानी है, ठीक है, और पॉसिबली न्यू करेक्टिव वेव की भी निशानी हो सकती है, ठीक है, अर्ली साइंस। बहरहाल अगर मैं देखता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे तो हम मार्केट के अंदर इस वक्त आपके लिए कोई जान नहीं देख रहे, मार्केट के अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है इस वक्त, ठीक है। मार्केट जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो है वो वीक नज़र आ रही है, ठीक है। RSI को चाहे आप देख ले, शदीद बियरिश भाव है, मतलब पिछली बार जब मार्केट 47,262 के पास आई थी 9 अगस्त के दिन, और फिर वापसी जब आई मार्केट, तो आप देख लीजिए RSI कितना नीचे था, और तो प्राइस ने जो है वो क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं दी थी। मकसद ये कि बियरिश डाइवर्जेंस भी अक्रॉस अ बोर्ड बनता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। एक और चीज़, फ्राइडे के जो वॉल्यूम्स थे वो प्रीवियस डे से कंपेयर करें तो एक बहुत कम वॉल्यूम्स हैं। तो मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ, अगर मार्केट को कोई मूवमेंट सबसे पहले बनानी है तो एक बात याद रहे, अगर कोई मूवमेंट बननी है मार्केट में वो तो सिर्फ न्यूज़ बेस बन सकती है। टेक्निकली मार्केट को एक करेक्शन चाहिए। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि मार्केट ने एक रैली कहाँ से की है 39,894 तक, और कहाँ तक की 49,400 तक। अब ये जो इतनी 9,500 पॉइंट की रैली हो जाती है, 9,700 पॉइंट की, उसके अगेंस्ट मार्केट ने कोई डिप नहीं लिया, कोई करेक्शन नहीं लिया, तो टेक्निकली मार्केट के अंदर एक करेक्शन बनती है, ठीक है। और एक बात ये भी याद रहे कि जब तक कोई न्यूज़ नहीं आएगी ना, आप समझ लीजिए टेक्निकली मार्केट में करेक्शन है। अगर मार्केट को परफॉर्म करना है, मार्केट को गेन करना है कुछ, तो वी नीड अ ट्रिगर एट द मोमेंट। हमारे पास कोई इस वक्त पॉजिटिव ट्रिगर SS मुझे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है ना। अब जैसे हमने देखा कि जो थर्सडे को न्यूज़ आई कि सिंध में जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर कुछ बैन लगाया जा रहा है, तो अब देखा कि हमने सीमेंट सेक्टर को कितना बुरा इम्पैक्ट हुआ, जिसके अंदर DG खान सीमेंट भी था और दूसरे चंद्रस्क्रिप्ट भी थे, उनके अंदर एक प्रेशर देखा हमने। फिर उसके अलावा अभी बात कर रहे हैं जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस में मजीद एक हाइक आएगा, तो अगर ये हाइक आएगा तो फिर इन्फ्लेशन आगे के जो नंबर्स आएंगे वो फिर डेफिनेटली इतने अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। फिर मजीद ये जितने भी टैक्सेस लगाएंगे तो इससे जो मेन बर्डन आएगा वो डेफिनेटली आपकी इन्फ्लेशन पे भी आएगा, और जब इन्फ्लेशन आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाना पड़ सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने का मतलब है ग्रोथ को कर्टेल करना, और अगर ग्रोथ को कर्टेल करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है ना आपकी इकोनॉमी परफॉर्म कर सकेगी, ना कोई कंपनी आपकी डेफिनेटली इतने 22% के रेट पे तो कोई कंपनी नहीं मतलब सर्वाइव कर सकती, ठीक है ना। इधर बड़ी कंपनीज के आप कह लीजिए हालत ख़राब है तो छोटी कंपनी कहाँ से सर्वाइव करेंगे। हमारे यहाँ इस वक्त जैसे एक बहुत बड़ा मेन मसला है कि जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि छोटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैनी स्टॉक्स के अंदर। आप ये समझ लीजिए कि क्या वो छोटी कंपनीज वक्त सस्टेन कर सकती है इतने इकोनॉमिक हालत, जब बड़ी से बड़ी कंपनियाँ, बड़ी से बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्लांट्स को शट डाउन कर रहे हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्या वो छोटी कंपनी सर्वाइव कर सकेगी। अगर से कर सकती तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर सकती तो आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं। जैसे इस बार हमने पूरी तेजी देखा, सेकंड 30 स्टॉक्स के अंदर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मूवमेंट आई, और बल्कि अब तो वो लोग मैं कह लूँ तो 40,000 के लेवल पे आ गए। तो ये चीज़ें मेन है जिसको हमें फोकस में रखना है। बहरहाल मैं आ जाता हूँ अर्ली टाइम फ्रेम में, मार्केट के इस वक्त सूरत हाल को बता दूँ कि देख लीजिए मार्केट इस वक्त तेजी किस पर तो है नहीं, ये बात तो हम सबको समझ जाना चाहिए। स्विंग ट्रेड में मार्केट इस वक्त आप कह लीजिए अगर मंदी नहीं तो तेजी में भी नहीं है, ठीक है। मार्केट इस वक्त इंडिसाइसिव पोजीशन में, ठीक है। तो बेहतर है कि अभी स्विंग ट्रेड में कोई ट्रेड ना ले, जब तक मार्केट एक डायरेक्शन ना पकड़ ले, जब तक मार्केट कोई एक तरफ मोमेंटम ना बना ले, उस वक्त तक स्विंग ट्रेड में मत जाइएगा। काम कैसे करना है इंट्राडे में, जैसे आपने देखा थर्सडे के दिन तेजी आई, इसकी तेजी हमने कब आपको इसकी इस तेजी की अलामत आपको वेंसडे को ही दे दी थी, तो हम आपको हर दिन बता रहे हैं कि कब क्या चीज़ का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो उसके हवाले से आपको बार बार वीडियोज के थ्रू बताया जा रहा है, तो उसके हवाले से तो टेंशन लेनी ही नहीं है आप लोगों ने, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वह बता रहा हूँ इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग के हालात में। मार्केट को चले लेवल्स बता देता हूँ इस वक्त जो इंट्राडे के लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। सबसे पहला एक मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने बना लिया है, वो कौन सा है लेवल, वो है 48,000 का, 40 यहाँ पे आपके लिए 47,980 से 48,000, ये इस वक्त मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है। अब जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना कर ले, ठीक है, हम इसमें मार्केट में इस वक्त शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी तेजी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब तक इसके नीचे नीचे रहेगी मार्केट आपकी प्रेशर में ही रहेगी, ठीक है। फिर जो अगला रेजिस्टेंस लेवल आता है उसके बाद 48,000 को मान लीजिए ब्रेक कर लेती है, तो अगला रेजिस्टेंस लेवल आएगा 48,150, फिर 48,300,
48,450, ठीक है, और ये वही लेवल जो मैंने आपको पहले की वीडियो में दिए थे, और फिर 48,600 ये लेवल हो जाएंगे। जस्ट सपोर्ट लेवल पे मार्केट का लेवल है वो 47,600 का, जो मार्केट ने जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये प्रेशर जो है हमें कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, और मजीद इसमें एक इजाफा हो सकता है प्रेशर में। और फिर जो आपका अगला सपोर्ट लेवल आएगा वो 47,350 के पास आएगा, इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो 47,150 का लेवल आएगा, इसको भी ब्रेक करती है तो 47,000 के लेवल। तो इस वक्त ये मार्केट के लिए लेवल्स रहेंगे। मेरा क्या मानना है, जहां मार्केट बढ़ती है वो इस वक्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं एक बात पहले भी कहता आया, आप भले अगर स्विंग ट्रेडिंग में खरीदने का दिल है ना, तो मैं एक बात बता दूं कि भले बाद में दो पैसा महंगा जरूर खरीद लीजिएगा, लेकिन वहाँ आपकी वहाँ एटलीस्ट आपके पास अश्योरिटी तो होगी ना। आप ये देख लें कि OGDC 110 से आज कहाँ आ गया, 99 के पास। चले OGDC में तो फिर इतनी गिरावट नहीं है जितना टेक्नोलॉजी में, TRG कहाँ पहुँच गया आज, ठीक है ना। तो जो बंदे उधर स्विंग ट्रेड बनाने के लिए जा रहे हैं वो लॉस कर रहे हैं, वो उनका माइंडसेट क्या होता है, भाई हम 1 रुपये कमा लें। भाई आप इधर 1 रुपये कमाने जा रहे हो, उधर 3 रुपये का रिस्क है, 4 रुपये का रिस्क है। तो बेहतर है अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चले, दो पैसे महंगा जरूर खरीद लीजिएगा। 95 पर TRG मिल रहा है ना, 92 चला आज मिल रहा है, ठीक है, आप 95 पे ले लीजिएगा, कोई मसला नहीं, भले 3 रुपये महंगा मिले लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर श्योरिटी हो ना, नेट सॉल्व हो गया, जो भी आइटम हो गए ना, यूँ काम करें, ये होनी चाहिए मैंटेलिटी। पहले एक बात हमेशा याद रखें, मैं आज वन सेकेंड कह दूँ, कोई भी बंदा अगर ट्रेडिंग कर रहा है उसको चाहिए पहले अपने लॉसेस को प्लान करें। कोई भी बाई ट्रेड लेने से पहले ये सोचे कि मैं गलत क्या मैं गलत हो सकता हूँ, अगर हो सकता हूँ तो आप ये रीजन ढूंढे चार्ट पे कि क्या रीजन ऐसी हो सकती है जिससे मैं गलत हो सकता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि भाई मुझे पोजिशनल साइजिंग क्या करनी है मेरी। मैं अगर पहले 1,00,000 रुपये लगा रहा हूँ या 10,00,000 लगा रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि भाई अब मुझे कितना पैसा लगाना है, कितना रिस्क मिलना है और कितना रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। स्टडी करें, प्रॉपर स्टडी करें, बोथ एंगल से देखें, आप न्यूट्रल होकर सोचें, ठीक है ना। अगर आपका पहले से ही माइंड है भाई मुझे खरीदना ही खरीदना है, तो आपको चार्ट पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी। अगर आपने बेच दिया ना एक बार वो स्टॉक और ऊपर ऊपर जा रहा है, तो आपको हमेशा वो चीज़ मंदी में ही देखेगी, या नहीं अब तो ये गिरने वाला है, अभी ओवरबॉट हो गया, आपको फजूल से फजूल रीज़न आएंगे। तो फॉर अ ट्रेडर या अगर आप एनालिस्ट हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि न्यूट्रल होकर सोचें, प्रॉपरली दोनों साइड से सोचें, ठीक है ना, तो ही कमा पाएंगे। इस वक्त मार्केट क्या है, मार्केट मुझे वीक लगती है, एटलीस्ट जब तक 48,000 के नीचे है, जब तक तो वीक है, क्योंकि ये वही लेवल है कि जहाँ पे 61% रेशो लाई करता है इस गिरावट का। बहरहाल मैं इसको पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुका, मैं अभी रीजंस नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा हर लेवल इधर जो भी है वो प्रॉपरली प्राइस एक्शन और फिबोनाची से डिराइव किए गए हैं। अच्छा, एक और रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं ऐड कर दूँ आप लोगों के लिए जस्ट इन केस के लिए, तो 47,750 का लेवल आएगा, ठीक है, जस्ट इन केस के लिए, जिसको जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए। तो ये लेवल है, लेवल्स के साथ मैंने हमेशा बताया काम कैसे करना होता है भाई। अगर कोई नीचे वाला लेवल ब्रेक होगा तो आप उसके जो अगला लेवल आएगा उसको अपना टारगेट बनाएंगे, और उस तरीके से बहरहाल मैं बार बार इसके हवाले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बहरहाल ये हो जाता है मार्केट के हवाले से। अब हम कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करते थे, इस बार सैटरडे तो मैं भी थोड़ा फ्री है, तो कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले हैं। सबसे पहले नेटसॉल की अभी बात करें तो फ्राइडे के दिन इसकी क्लोजिंग आई 84.06, 2 रुपये की गिरावट है। मैं कैलकुलेट करूं अगर इसको, तो इसने एक हाई लगाया था, बेसिकली इसने लगाया था आपका 2 अगस्त के दिन 96.90 का, और आज ये उस हाई से तकरीबन 14% सस्ता मिल रहा है। अच्छा, अब एक बात याद रहा, अभी क्या कर रहा है नेटसॉल ने एक रैली बनाई थी, कहाँ से बनाई थी उसने, वो बनाई थी 71.82 का इसने लो लगाया था, उसके बाद इसने एक तेज़ी की और कहाँ तक किए 96.90 तक इसने ये एक तेज़ी कर ली। अब अगर मैं बात करूँ तो अभी ये जो गिरावट कर रहा है ना, ये जो इसने तेज़ी की थी गले में 25 रुपये की, ये उसके अगेंस्ट गिरावट कर रहा है, उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट कर रहा है। अच्छा, आप पहले एक चार्ट को देखेंगे नेटसॉल के, तो आपको देखेगा कि एक बहुत लंबे अरसे से ये एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा था। वो रेंज क्या था, 70 से लेकर 82 था, ये इसी रेंज के दरमियान में परफॉर्म कर रहा था। अभी क्या कि इस बार नेटसॉल ने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया और अब ऊपर जाने के बाद वन सेकेंड ये इसी जो रेंज की अपर बाउंड्री थी 82 के पास, उसके पास ही वन सेकेंड आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, अगर कोई बंदा इसको एक्यूमुलेशन के लिए डिप पे देखना चाहता है तो इसके सपोर्ट लेवल्स क्या रहेंगे, ठीक है, वो क्या रहेंगे। अगर मैं आपको सबसे पहले फिबोनाची लगा दूँ, तो फिबोनाची का भी अगर आप पहला सपोर्ट लेवल देखेंगे, इसने आज एक 50% का रेशो ब्रेक किया। अगला जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 81.40 आ रहा है एज फॉर फिबोनाची।
अब मैं अगर फिबोनाची को इधर लगा दिया, मैंने ये लेवल है ना 8140, इसके ऊपर एक लाइन खींच दी, तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो 8140 की लाइन है ये कैसी स्ट्रॉन्ग लाइन है। मतलब आप देखें प्राइस ने इसको कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, पहले भी और रिसेंटली भी देखें तो प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया। अब एक बात हमेशा याद रहे, जब फिबोनाची और प्राइस एक्शन मिल जाए, मतलब फिबोनाची का लेवल और प्राइस एक्शन का लेवल दोनों सेम आ जाए, तो आप समझ लीजिए अब वो लेवल की अहमियत दूसरे लेवल की तरह नहीं है, कोई आम लेवल की तरह नहीं, अब ये लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है। पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, मान लीजिए मैं ओनली फॉर न्यू एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, अगर ये नीचे आता है तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये 82 से 81 के दरमियान में आता है, ठीक है मैंने रेंज को थोड़ा बढ़ा दिया, हम डिप्स पे कुछ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल वो हालात को देख कर ही होगा कि भाई ये कैसे हालात हो रहे हैं इस वक्त, क्या इसके अंदर ज़्यादा गिरावट तो नहीं, ज़्यादा बेयरिश तो नहीं है, क्या यहाँ से कोई रिकवरी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, मतलब कोई बाइंग आ रही है शो, तो हम इस लेवल के पास बाइंग देंगे। तो अभी आप समझ लीजिए ये थोड़ी प्री मेच्योर एनालिसिस है, मतलब कि अभी ये जो चार्ट्स हैं वो कंप्लीट तरीके से बने नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए आपको जल्दी दे दिया, जाहिर बात है काफ़ी लोगों के पास नेटफॉल पड़ा हुआ है, तो 8149 के पास या अगर जिनके पास नहीं पड़ा हुआ इन लेवल्स पे न्यू एक्यूमुलेशन का भी सोचा जा सकता है, क्योंकि ये एक आम लेवल नहीं है, ये एक बहुत अहम लेवल है, तो इसके पास कोई भी ग्रीन कैंडल बने, चाहे वो आर्ली टाइम फ्रेम में बने, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाय ट्रेड ओवर हियर। स्टॉप लॉस आप बहुत अच्छा लगा सकते हैं, चाहे वो तो आप 80 रुपीज़ का लगा सकते हैं, और टारगेट जो है वो ऊपर बनेगा। अब ये तो पहले हम नहीं कह सकते कि ये आएगा ही आएगा कि 82 से 81 की रेंज में, ये बात पहले समझ लीजिए, नहीं आता तो ठीक है मैं नहीं ले, हम नहीं लेंगे इसमें से ट्रेड, अगर ये आता है तो ये डेफिनेटली सोचने का मौका मिलेगा। तो ये ट्रेड सेटअप दे दिया, ये वीकली है ठीक है ना, क्या हो सकता है ये मंडे को ही दे दे, ट्यूसडे को ही दे दे, वेंसडे को दे दे, थर्सडे को दे दे, फ्राइडे को दे दे, कभी भी ये मौका दे सकता है, क्या पता दे ही ना, तो नहीं देंगे ऑब्वियस ही बात है ठीक है ना। तो ये एक वो स्टॉक है जिसको नज़र में रखना चाहिए, मेरे नज़र से डिप पे आए तो डेफिनेटली, क्योंकि वो लेवल आप खुद देखें चार्ट पे कैसा लेवल है, जहाँ प्राइस एक्शन भी मिल रहा है और जहाँ फिबोनाची भी मिल रहा है, और फिबोनाची का भी आम नंबर नहीं, 61% का रेशो, मेरा फेवरेट रेशो, गोल्डन रेशो है ठीक है ना। तो ये एक लेवल है, हाँ अल्लाह ना करे ये नेटसॉल इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो फिर जो प्रेशर बनेगा वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बन सकता है ठीक है। और मैं बता दूँ ये एक बहुत फिर बड़ी मंदी की अलामत हो सकती है, 75 इवन 70 तक भी आ सकता है, तो बहरहाल वो तो दूर की बात है, लेकिन ये हमने एटलीस्ट देखा है, मैंने अपने उसमें देखा है एनालिसिस में, या मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब भी कोई प्राइस ऐसे लेवल के पास आता है तो एक ही बार सही लेकिन घूमता जरूर है ठीक है। तो बहरहाल ये मैंने आपको दे दिया नेटफॉल की एनालिसिस है ठीक है ना, बाई करे सेल करे वो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन एनालिसिस मैंने अपनी शेयर कर दी। बाकी मैं यही कहूँगा थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि बाहर तो इंडेक्स 47,000 के ऊपर है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है आपकी वो बहुत ज़्यादा गिर चुके, जैसे कुछ स्टॉक से 52 वीक लोज के पास आ रहे हैं, जैसे AGP 52 वीक लो के पास आ रहा है, आप सर्ले को देखें, सिटी फार्मा को देखें, तो आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो आपके लिए पूरा प्रेशर में है। फिर साथ ही में अगर हम दूसरे देखें तो सेकंड थर्ड ईयर स्टॉक्स अंदर जैसे GL हो जाता है वन सेकेंड, ये भी गिरावट में है, GCIL, ये सारे स्टॉक जो है वो अपने बिल्कुल लोज के पास खड़े हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपका ऑटो सेक्टर था उसने भी वन सेकेंड रिवर्स कर दिया, मतलब अपने आप को अगर आप उनको हाई से कंपेयर करें तो वो अच्छा खासा वन सेकेंड गिर चुके हैं। उसके अलावा दूसरे स्टील सेक्टर्स को भी देखें, मुगल हो गया, तो मकसद ये कि सारे ही स्क्रिप्ट के अंदर हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है, सिवाय कुछ चंद स्क्रिप्ट के जिन्होंने इंडेक्स को होल्ड रखा हुआ है, जैसे कि आपका बैंकिंग सेक्टर हो जाता है, सिर्फ उनकी वजह से मैं कहूँगा बैंकिंग सेक्टर, पावर सेक्टर और ऑयल सेक्टर, ये तीन सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से मार्केट फिर भी खड़ी हुई है, वरना आप बाकी मेजॉरिटी स्क्रिप्ट को देखें इस वक्त सब के अंदर गिरावट है। तो मैं तो यही कहूँगा थोड़ा कैश होना चाहिए हाथ में, ताकि अच्छे वक्त पे अच्छे रेट पे आपको पैसा डालने का मौका मिले ठीक है ना। तो बहरहाल मैं इसी के साथ इजाज़त भी चाहता हूँ, इंशाल्लाह जैसे ही आप देखेंगे हालात थोड़े बेहतर होंगे मैं आपको स्क्रिप्ट की लाइन लगा दूंगा इंशाल्लाह, अच्छे से अच्छे स्क्रिप्ट मुझे मिले, लेकिन एटलीस्ट अश्योरिटी हो। मैं नहीं चाहता मैं आपको आज कोई स्क्रिप्ट दूँ आपका कल को नुकसान हो जाए, मेरी कोशिश है कि क्वालिटी हो, तो इंशाल्लाह जैसे ही थोड़े हालात मुझे बेहतर भी लगेंगे ना मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूँगा, बहुत सारे दे दूँगा, ताकि सब में हम लोग कमाएँ ठीक है ना। तो बहरहाल इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।